अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, ठहरे मुझे कैमरा साफ। मुझे कहते हैं उस्मान नदी और आप देख रहे हैं कसाना ब्लॉग्स। तो कसाना ब्लॉग्स, और आज की जो मेरी वीडियो है वो कुछ इस टॉपिक पर है जो कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो के बिल्कुल नीचे है। तो आप लोगों को ये कहना था कि क्या आप लोगों ने सैनिटाइजर बनाया? जैसे जैसे मैं बनाता रहा वैसे वैसे आप लोग भी बना लेते तो शायद आप लोगों के हाथ साफ सुथरे रहते। सबसे पहले सैनिटाइजर बनाए, अगर नहीं बनाए तो ना बनाए, फजूल में बाहर पैसे खर्च कर ले। और एक और बात वो ये कि आज के बाद कोई भी टॉपिक कोरोना वायरस पर नहीं होगा मेरा, क्योंकि जितना हम इसको भूलेंगे ना उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है, और जितना हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और उतना ये लोगों के लिए अच्छा है, और घर में सेफ रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। और अगर आप घर में बैठकर बोर हो रहे हैं तो आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ, वो पता है क्या? कि इबादत करें। बहुत ही अच्छा जो है ना नुस्खा है, ट्रिक है, एक आइडिया है कि हम लोग बोर नहीं होंगे। तो इबादत करें अल्लाह ताला की, कुरान पाक पढ़ें, और एक दूसरे के साथ मतलब कि दीन की बातें करें। सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बताना चाहिए, ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी और ना मैं कभी स्क्रिप्ट इतनी लिखता हूँ, कम ही लिखता हूँ अगर कभी कोई चैलेंज वगैरह करना पड़ जाए तो। और हाँ, दीन की बातें करें, और ताकि आप लोगों को पता चले कि दीन में क्या है और हमारे लिए दीन में क्या क्या हुआ पास्ट में। ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोग बोर नहीं होंगे और घरों में रहेंगे, ये आप लोगों के लिए फायदा है। आप लोग घर में बैठकर दीन की बातें करें एक दूसरे के साथ और मन लगा रहेगा आपका, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या होता है दीन में। और हम तो बस यही ऐसे ही करते हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन ऐलान हुआ था कि घरों से बाहर नहीं निकला। तो आज की मेरी वीडियो बस इसी पर थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें नीचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अल्लाह हाफिज़।